गाजियाबाद कॉलोनी में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। लोनी के रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र से सटी जाकिर नगर कॉलोनी में चलाई जा रही फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में प्लास्टिक को जलाकर सामान बनाया जाता है। फैक्ट्री में आग लगने पर आसपास रह रहे लोगों ने आग बुझाना शुरू करा। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि आवासीय कॉलोनी में अवैध रूप से फैक्ट्रियां चलाई जा रही है। उनका कहना है जहां पर फैक्ट्री में आग लगी है उसके पास में एक खाली प्लाट में प्लास्टिक का कूड़े का ढेर पड़ा था। अगर आग कूड़े के ढेर में लग जाती तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है लगातार शिकायत करने के बाद भी आवासीय कॉलोनी में अवैध रूप से फैक्ट्रियां संचालित की जा रही है। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण को फैलाता है। इससे निकलने वाला धुआं लोगों को बीमार कर रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों ने आवासीय कॉलोनी से फैक्ट्री को हटाने की मांग की है। क्या हुआ था यहाँ पर? हुआ कुछ नहीं, एक गुल्ले की फैक्ट्री है और ये जो कट्टे हैं इन्हें पिघला के गुल्ला बनाते हैं, जिससे हेलमेट वगैरह प्लास्टिक के आइटम बनाते हैं। उसमें 8-10 लोग कारीगर भी काम करते हैं। अब क्या वजह रही, कैसे रही, इसमें आए दिन आग जला के ये लोग काम करते हैं, बनाते हैं इसमें जो भी है गुल्ला उल्ला बना के जला के, तो इसमें आग लगी। आग इतनी भयंकर लगी है कि बस ये समझो ये तो कॉलोनी वाले बढ़िया लोग हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत से बड़ी उससे कष्ट करके पानी की व्यवस्था बाल्टियों की व्यवस्था करी, फिर हम लोगों ने फायर ब्रिगेड के लिए फोन किया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई। अच्छा, ये आवासीय कॉलोनी में औद्योगिक काम चल रहे हैं, इनकी शिकायत करी आपने कभी? सर शिकायत इसकी कई बार की है हम लोगों ने, लेकिन वही क्या मिलता है, कोई सुनता नहीं है। किसकी से शिकायत की आपने, किससे शिकायत की? सभी लोग जाके इकट्ठे होके भी गए, सब चीज है भाई ये रेजिडेंस एरिया है, तो किसी ने नहीं सुनवाई करी? फैक्ट्री एरिया में करो जाके या करो, सब चीज है। तो अभी क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? अभी तो हम यही चाहते हैं भाई इस तरह की आगे घटना ना हो। सबसे बड़ी तो हम ऊपर वाले से ये शुक्र करते हैं कि कम से कम यहाँ कोई हताहत नहीं हुआ और कोई एक बड़ी घटना होने से बच गई। हम ऊपर वाले का इसके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। कितने लोग रहते हैं इस कॉलोनी में? इस कॉलोनी में 10,000 की जनता है, तो काफी बड़ी है। इस मोहल्ले में भी मतलब फैक्ट्री से लगता हुआ एरिया रिहायशी इलाका। हाँ जी हाँ जी, फैक्ट्री से। क्या हुआ था यहाँ पर? जी यहाँ पे ना इस कट्टे का इसे पिघलाया जाता है, इसका गुल्ला बनता है कट्टे का। अच्छा, इसका गुल्ला बना के भेजते हैं, इससे फैक्ट्री से प्रदूषण भी बहुत होता है। कौन सी कॉलोनी है ये? है जाकिर नगर। ये आवासीय कॉलोनी है या इंडस्ट्रियल एरिया है? नहीं जी आवासीय कॉलोनी है। तो यहाँ पर फैक्ट्री चल रही है, आपने कभी शिकायत की है इसकी? जी कई बार हमने शिकायत करने की कोशिश करी है, कुछ नहीं होता। तो आज क्या हुआ था यहाँ पर? आज ये हुआ था, ये काम चल रहा था, किसी तरीके से आग लगी, बहुत तगड़ी आग लगी थी इसके अंदर। अब तो कुछ भी नहीं है, ये सब कॉलोनी वालों ने मेरे सारों ने मिलकर सब आग बुझाई है, ना तो बहुत तगड़ी आग थी यहाँ पर। तो ये आवासीय कॉलोनी में फैक्ट्री चलाई जा रही है, इसको लेकर प्रशासन से क्या मांग करते हो? हम तो यही मांग करते हैं ये फैक्ट्री प्रदूषण की बंद हो और साफ सुथरा जीवन हमें ही मिले, जीने का सबको अधिकार है, हमें भी अधिकार मिलना चाहिए साफ सुथरी हवा का, बस यही है हमारा। मगर सुनता कौन है, कोई नहीं सुनता जी आजकल की। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए गाजियाबाद से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।